कौन सा युग पहले पृथ्वी पर होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग? प्रश्न को कैसे भी पूछा जाए, आंसर तो हमेशा एक ही रहेगा। चाहे इस प्रश्न को पूछो कि सृष्टि शुरू कब हुई थी, चाहे इस प्रश्न को पूछो कि यह बना बनाया ड्रामा क्यों है, चाहे आप ये प्रश्न पूछो कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, इसके लिए आपको मुर्गी पहले कि अंडा पहले ये वीडियो देखना होगा। और उस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए आपको सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है, पहला दूसरा सत्य क्या है और ये सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु इस सृष्टि चक्र के आदि और अंत, सृष्टि अनादि और अनंत है परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि और अंत है, ये छोटी छोटी वीडियोस आपको ध्यान से देखनी होगी तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। फिर भी शॉर्ट में आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ और जो मैंने आपको वीडियोस देखने के लिए कहा है उनके लिंक मैं इसके इंस्टा और जो अपना नीचे लिखे हुए होंगे आपके पास। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये एक चक्र में चलते हैं और ये चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा, इसका कहीं आरंभ और अंत नहीं है, न कभी अंत होता है न कभी आरंभ होता है। यदि कोई कहे कि सतयुग पहले शुरू हुआ था तो सतयुग से पहले संगम युग भी था, कलयुग भी था, द्वापर भी था, द्वापर से पहले त्रेता था, त्रेता से पहले सत्य। अब इस चक्र में हम उल्टा चले तो किसको पहले कहें, उससे पहले दूसरा है और उसके बाद यदि हम इधर चलते हैं कि पहला सतयुग था तो उसके बाद क्या आया, त्रेता, त्रेता के बाद क्या आया, द्वापर, द्वापर के बाद क्या आया, कलयुग, कलयुग के बाद क्या आया, संगम युग, संगम युग के बाद क्या आया, सतयुग, तो सतयुग को पहला नहीं कह सकते, चाहे इस तरह इस चक्र में चलो, उल्टा चलो, चाहे सीधा चलो, किसी भी युग को पहला युग नहीं कह सकते। ठीक है, परंतु ड्रामा को कहीं से तो शुरू करेंगे, जहां से शुरू करोगे वहीं आकर के नाटक पूरा हो जाएगा और अगले सेकंड उसी प्रकार से चलेगा। जैसे आज ये जो मिनट वाली सुई है, आप इस मिनट की सुई को देख पा रहे होंगे, ये मिनट वाली सुई जो है ये हम यहीं पर हैं, इस समय संगम युग चल रहा है, परमपिता परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, सारे संसार की आत्माओं को परमपिता परमात्मा से पढ़ना है, ज्ञान लेना है। कोई भी आत्मा ये कंप्लेन नहीं करेगी, प्रभु आप इस धरती पर आए थे, हमें भी पढ़ाते, हम भी पढ़ते, हम भी तो सतयुग के लायक बनते, ये मौका किसी भी आत्मा को नहीं मिलेगा। सारी आत्माएं अपनी मेहनत के अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को अपने जीवन में अर्जित करेंगे।
अब वो जितना ज्ञान को अपने जीवन में अर्जित करने के बाद धारण करेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ और पावन बनाएंगे, उस आधार से यहाँ सतयुग शुरू होगा। सबसे पहले वो आत्मा आएंगी जो 100% वाली थी, धीरे धीरे कम नंबर वाली आत्माएं आती जाएंगी। जैसे जैसे जिस नंबर का आत्मा का आता जाएगा, वो आत्मा इस धरती पर आती जाएगी और लास्ट आत्मा परिवर्तन से 1 साल पहले तक आएंगी। जब सारी आत्माएं आ जाएंगी, सारी आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिल जाएगा, चाहे वो 1 साल की आत्मा है, 1 साल वाली आत्मा को भी लास्ट यदि 4-5 महीने 6 महीने ही संसार में आना है, वो उसी दौरान ही अपने माता पिता के द्वारा या किसी के द्वारा, चाहे वो संकल्प के द्वारा होगा, कुछ भी होगा, वे अपना परमात्म संदेश अवश्य लेगी। और आत्मा हमारे लिए लगता है कि ये तो बहुत छोटा बच्चा होगी, वो कैसे समझ पाएगी, परंतु आत्मा बच्चा नहीं है, ये उसके शरीर के ऑर्गन्स हैं, परंतु जैसे ही वो आत्मा शरीर से अलग होगी तो उसे ऑटोमेटिक स्मृति आएगी कि परमात्मा के सिवाय मेरा कोई नहीं। और वो परमपिता परमात्मा के पीछे उसी प्रकार से चलेगी जैसे रानी मक्खी के पीछे सारी मधुमक्खियां जाती हैं, ऐसे ही वो आत्मा भी पीछे पीछे घर जाएगी। जाना सबको एक साथ, जाने में कोई देर नहीं लगती, चाहे वो कितनी फास्ट आत्मा हो, कितनी टॉप की नंबर 1 आत्मा हो, चाहे नंबर लास्ट की आत्मा हो, उनको 1 सेकंड में, क्योंकि जैसे ही संकल्प आया कि मुझे घर जाना है, बस वो घर जाए। अभी किसी भी आत्मा को संकल्प आ नहीं सकता कि मुझे घर जाना है, क्यों नहीं आ सकता, करे भी सही तो भी उसके अपने कार्मिक अकाउंट उस संकल्प को उपस्थित नहीं होने देंगे, इमर्ज नहीं होने देंगे। तो ये सृष्टि चक्र अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ठीक इस सेकंड जैसे ही मैं अपना स्पीच बंद करूंगा, वही रोल चलेगा जो चला था। ठीक इसी समय मैं आपके साथ ये बातें कर रहा था, तो ये लिंक जो है मैं इसके उसमें डाल रहा हूँ, वो आप देख लेंगे, और उन वीडियोस को देखने के बाद आपको प्रश्न ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। हम कोई भी समय ड्रामा के आरंभ का नहीं कह सकते, फिर भी कल्प को हम जो सतयुग की आदि है, बाबा ने कहा जब लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठते हैं तो 1-1-1 यहाँ से शुरू होता है, और फिर अगले बार ठीक 5000 साल बाद 1-1-1 पर वो दोबारा बैठते हैं। ये समय उनके तैयार होने का है। और अच्छी तरह समझना हो तो 9213106986 पर या तो अपना प्रश्न व्हाट्सएप करें या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम।